नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के लसूरिया थाना क्षेत्र में कोकिलाबेन हॉस्पिटल में भर्ती एक 17 वर्षीय मरीज के साथ वहीं पर मौजूद एक कर्मचारी ने अप्राकृतिक कृत्य की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल जब मरीज ने पूरे मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी और परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन को पूरे मामले की जानकारी दी तो अस्पताल प्रबंधन घटना को दबाने में जुट गया। लेकिन जब पूरे मामले की जानकारी बलाई समाज के अध्यक्ष को लगी तो उन्होंने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की है और पुलिस पूरे मामले की प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इंदौर के लसूरिया थाना क्षेत्र में कोकिलाबेन हॉस्पिटल मौजूद है। यहां पर गंभीर बीमारी से ग्रस्त एक 17 वर्षीय युवक को उसके परिजनों ने इलाज के लिए भर्ती किया है। लेकिन जब अलसुबह 17 वर्षीय बच्चा अस्पताल के वार्ड में अकेला था उसी समय अस्पताल में ही पदस्थ वार्ड बॉय जय चौहान उसके वार्ड में आता है और 17 वर्षीय युवक के साथ अप्राकृतिक कृत्य की घटना को अंजाम देता है। इस दौरान जय चौहान के द्वारा बच्चों को ये भी धमकी दी जाती है कि यदि तुमने इस तरह के घटनाक्रम की जानकारी अपने परिजनों को या किसी को की तो जान से मार दूंगा। लेकिन अचानक उसके पेट में दर्द होता है तो वो अपने परिजनों को पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी देता है। उसके बाद परिजनों ने जब अस्पताल प्रबंधन को पूरे मामले की जानकारी दी तो अस्पताल प्रबंधक उस पूरे घटनाक्रम को दबाने में जुट गया। साथ ही परिजनों को इलाज नहीं करने की धमकी भी दी। लेकिन पूरे मामले की जानकारी जब बलाई समाज के शहर अध्यक्ष चिंटू परमार को पूरे मामले की जानकारी लगी तो उन्होंने पूरे मामले की सूचना लसूरिया पुलिस को की और लसूरिया पुलिस ने पूरे मामले में आरोपी जय चौहान के खिलाफ पास्को एक्ट सहित अप्राकृतिक कृत्य की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले में उससे पूछताछ की जा रही है। कल देर रात सूचना प्राप्त हुई थी कि कोकिलाबेन अस्पताल में एक नाबालिग बच्चे के साथ में कुछ अप्राकृतिक कृत्य की घटना हुई है, जिसकी सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर पुलिस जब पहुंची तो उस सूचना को तस्दीक किया गया, जिसके उपरांत में देहाती नाल से लेकर के पॉक्सो एक्ट के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत में टाइमिंग करी गई है। आरोपी को हिरासत में लिया गया है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, हॉस्पिटल जी कोकिलाबेन अस्पताल में इलाजरत है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके लिए।